अस्सलाम वालेकुम, इमरजेंसी वैन भाई। जी वालेकुम सलाम। जी सर बताइए क्या मदद चाहिए। सर मैं ना सब्जादार से बात कर रहा हूँ, बी ब्लॉक, और मेरी ना आप वालदा हैं कल से लापता। कपड़े वगैरह बता सकते हैं किस रंग के पहने हुए थे? जी जी, वो सबक कलर का दुपट्टा किया हुआ है फूलों वाला, और बाल भी छोटे छोटे हैं। मैं पुलिस को भिजवा रहा हूँ, आपके पास रब्ता करते हैं। सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर और मेरा प्यारा ऐप अपनों से बिछड़े अफराद के लिए उम्मीद की किरण। सेफ सिटी टीम ने इमरजेंसी 15 पर 55 साल बुजुर्ग खातून की गुमशुदगी की इत्तला मिलते ही तलाश शुरू कर दी। बुजुर्ग खातून की गुमशुदगी की कॉल उनके बेटे ने की, जिसके बाद हमने सेफ सिटी के मरबूत निज़ाम के जरिए उनकी तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान हमें बाल्टन रोड पीर कलोनी से बुजुर्ग खातून के मिलने की कॉल भी मौसूल हुई। अस्सलाम वालेकुम, इमरजेंसी 15। जी सर, जी अब्दुल साहब बात कर रहा हूँ, बाल्टन पीर कलोनी। एक औरत है, बुजुर्ग औरत है, बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन भी उसका दुरुस्त नहीं है, वो सुबह की इधर गली में बैठी थी। बहुत शुक्रिया जी, आपने इन्फॉर्म किया, अभी पुलिस को भिजवाते हैं, आपसे रब्ता करते हैं, नंबर ऑन रखिएगा जी। सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने दोनों कॉल्स का मुआवजा किया और बुजुर्ग खातून की मालूमात मैच होने पर फैक्ट्री एरिया पुलिस के जरिए मां को बेटे से मिलवा दिया। पुलिस और सेफ सिटी ने मेरी मदद की, जिससे मेरा मसला हल हो गया। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं पंजाब पुलिस का और सेफ सिटी वालों का। सेफ सिटीज और पंजाब पुलिस ने बिछड़ों को अपनों से मिलवाने की रवायत बरकरार रखी और एक मां को अपने लखते जिगर से मिलवा दिया। शहरी किसी भी गुमशुदगी की सूरत में फौरन 15 पर इत्तला दें।